পায়ে তুড়া হাতের বালা থাকে যদি বালা মাথা চিরা চিরা সিটি গলা চুরি মালা দিয়ে মোবাইল পায়ে তুড়া হাতের বালা থাকে যদি তো আপ পড়াই করতে হো লকডাউন মে ছোড় দিয়া থা। फाइनली कच्चा बादाम जी के घर आ चुके हैं और चलते कच्चा बादाम देखे होते हैं कि नहीं और कैसा रिस्पेक्ट हमें मिलता है आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए पानी आया है यहाँ पे मीठा काफी अच्छे बोसा, बोसा। 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 उनका क्या नाम है भुवन बद्दू सर बोले थे काफी अच्छी फैमिली है इधर देखिए आते ही रिस्पेक्ट मिला बहुत ज्यादा और भैया जी है और बस पानी मिल गया अभी हम लोग पानी उनी वगैरह पीते हैं फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं। फिर एक कच्चा बादाम जी के भाई हैं अंकल कच्चा बादाम जी कहाँ गए हैं प्रोग्राम में गए हैं शायद उनके भाभी जी भाभी जी कच्चा बादाम जी के भाभी जी बोल रहे हैं प्रोग्राम में गए हैं तो इनके घर आए काफ़ी अच्छा लगा उनकी वाइफ तो कैसा लग रहा है आंटी जी बता सकते हैं थोड़ा भालो लगा अच्छा लग रहा है इनका कहने वाला अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा मुझे भी लग रहा है क्योंकि गरीब इंसान कोई भी अगर ऊंचे लेवल तक पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है सुनने के बाद। चलो रुको रुको फिर से अब गाइए बोलिए मस्त एकदम। ये पहले का उनका पोजीशन है देखिए पहले कैसे रहते थे इधर देखिए कैसे छोटी सी जगह में रहते थे। फाइनली इनका घर का काम चल रहा है और बहुत जल्दी काम हो रहा है देखिए दो दो तीन तीन मिस्त्री लगे हुए हैं है ना भैया लोग कब से लगे हुए हैं बोलो बोलो 8-9 दिन से काम चल रहा है और जो कि कच्चा बादाम के छोटे लड़के हैं आइए थोड़ा आपसे कुछ बातें हो जाते हैं। तो आपका नाम क्या है सुज्जो बाद दिवस तो इनका नाम है और ये कच्चा बादाम के छोटे लड़के हैं तो आप पढ़ाई करते हो लॉकडाउन में छोड़ दिया था कुछ मजबूरी कुछ पोजीशन का डाउन था उस टाइम तो अभी सब सही हो गया है ना कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है आपके पापा तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए पूरे लोग जानते हैं ना तो अभी घर का काम चल रहा है तो अब तो पढ़ाई कर सकते हो करेंगे तो ठीक है आप पढ़ाई करिएगा और अच्छी बात है और पापा जी का मतलब अच्छे से ख्याल रखिएगा कहीं प्रोग्राम में गए हैं ना तो पापा जी से मुलाकात इनके नहीं हो पाए कच्चा बादाम जी से तो बट नेक्स्ट टाइम अगर कभी आएंगे तो मुलाकात जरूर होगी है ना मुलाकात कराएंगे ना भैया तो ठीक है आप ये घर का काम चल रहा है भैया का तो भैया आप जाइए घर का काम करिए और अच्छा रहता है ना अंकल कभी नसीब कभी ऐसा दिन था कि खाना वाना नहीं होता था है ना दिन को काम करो फिर शाम को खाना खाओ है ना ऐसा होता था ना सुबह कैमरा नहीं देता था क्योंकि समाज कोई चीज तो मतलब मैं दादा बेटा को तो कष्ट क्या समाज कोई चल अब खाली कुथा गला नीचे मत भात रंदा कर बट वो दिन नहीं आएगा अब अच्छा दिन आएगा जो आएगा सब अच्छा आएगा। ये उनका होम टूर है पूरा एकदम देख सकते हैं आप पहले का पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था बट अब धीरे धीरे उनका नसीब चेंज जाएगा। और ये भैया जी जो हमें लेके आए यहाँ पे और भैया जी कैसे हो बहुत बढ़िया क्या नाम है आपका राजा भंडारी जो कि बहुत अच्छे हैं और इनके घर पे लेके आए हमें तो बहुत अच्छा लगा और इनका होम टूर देखिए पहले का पोजीशन और अब देखिए দিয়ে যাবেন দাদা সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেই গো গো ভাজা বাদাম আমার কাছে আছে শুধু কাঁচা বাদাম মস্ত आज सब इनके घर में सबसे गवाते हैं कच्चा बादाम दो तीन भाई लोग गाएंगे तो अभी उनका गाना सुनते हैं ना भैया आज गाना उनका धक्काड़ को सुनेंगे कच्चा बादाम जी का गाना पाए तोड़ा हाथे वाला था के जो दी सिटी कॉलेज चैन দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেখো বুবু ভাজা বাদাম আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম কাঁচা বাদাম কাঁচা বাদাম দুসরে ভাইয়া হ্যায় কাঁচা বাদাম আলে কাফি আচ্ছা লাগা আর আবি ইনকে ফ্যামিলি সে বাত করতে ফিলহাল তো আচ্ছা গানা ও সব ইতনা বানায়া উনকা ভিডিও রি জব আয়া तो पैसा जो दिया था कि नहीं दिया था कुछ पैसा इसी को मेरे नहीं समझ नहीं आया जब
भीड़ जम जाता, चार परी पांच परी छह परी के लग जाता है यहाँ पर, गाड़ी 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 गाड़ी, तो खींचता था फोटो, तो मेरे पैसा भी नहीं पूछा ना, ले जाओ ले जाओ। एक महीने का एक अच्छा आदमी आन के कहा जाए इसको नहीं डाला, इसको पैसा मांगो तब इसको खींचो। तब से मेरा बिहार, तब से कोई पटना पाँच दस हजार करके देने लगा था। नहीं ठीक है, धीरे धीरे स्थिति सुधर जाएगी। सब शेष हो गया था। अब मुकाम जिसका पड़ता है बनारस की तरफ घर पड़ता है, बनारस आगे इलाहाबाद, इलाहाबाद हाँ। तो अखन का लोग खुद ही पता लगा लगा इसी से लो। अभी ना इसमें आपके भैया के जो कच्चा बादाम का वीडियो है ना, पूरा ऑल कंट्री चल रहा है, ऑल कंट्री जितना मतलब कि पूरे पृथ्वी में पूरा हर जगह चल रहा है। दादागिरी सौरभ गांगुली क्रिकेटर और उनके भैया जी है। और ठीक है, हम लोग चलते हैं ना अंकल जी, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, थोड़ा मुलाकात करा दीजिएगा ना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो भैया जी मुलाकात कराएंगे, मिलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे आगे हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है ठीक है भैया, ठीक है भैया से मिल काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, अब ये भी भैया यूट्यूबर ही है ना भैया। ठीक है ठीक है अंकल जी, चलते हैं। ओके बाय। तो घर से इनके अलविदा लेते हैं, ये राइन का घर। ठीक है भाई, भैया जी हमें थोड़ा लिफ्ट दे रहे हैं रोड पे छोड़ने के लिए, क्योंकि अंदर इनका घर है। भैया जी काफ़ी हमारे लिए बहुत दिक्कत कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे भैया से, जरूर मिलेंगे है ना भाई। मिलने के बाद बात करने का रिलेशन बन जाता है, रिलेशन बन जाता है वो हमेशा के लिए रह जाता है, हमेशा कभी ना भूलेंगे नहीं है ना, कभी भी आएंगे तो भैया से जरूर मिलेंगे। अच्छा वाह, ये कच्चा बादाम बंगाली में लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट भैया बताए कि ये कच्चा बादाम का एड्रेस लिखा है बंगाली में, तो इसको हिंदी में भी लिखवा दीजिएगा भैया, क्योंकि क्योंकि देखिए जो बाहर से आता हाँ, है उसको तो ज़्यादा नहीं कन्फ्यूज हो जाता है, समझ रहे हो। ठीक है भैया, थैंक यू छोड़ने के लिए, नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये दूसरे भैया जी हमें लिफ्ट मिला, दूसरे भैया जी जो बाइक से आ रहे थे तो हमने लिफ्ट मांगा तो इन्होंने दे दिया। बहुत ही अच्छे यहाँ के लोग हैं कच्चा बादाम के गांव वाले, तो आगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो फाइनली हम आ चुके हैं दुबराजपुर स्टेशन, और अंकल जी ने काफ़ी हमको लिफ्ट दिया, मदद की बहुत ज़्यादा, और फिर यहाँ से हमें जाना है अपने घर। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं एंड कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको फुल एड्रेस में बता देता हूँ। पहले आपको आना पड़ेगा आसनसोल, आसनसोल से आपको दुर्गापुर, दुर्गापुर से फिर दुबराजपुर स्टेशन आना पड़ेगा, फिर वहाँ से किसी से भी पूछ लीजिएगा कच्चा बादाम के घर जाना है ना, सब बता देंगे कच्चा बादाम का घर कहाँ है। तो वहाँ से आप चले जाइएगा, यहाँ से दुबराजपुर स्टेशन जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर है इनका घर, कोई से भी ऑटो वाले से पूछ लेंगे बता देंगे। तो गाइस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, मिलते एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। लेकिन यार दोस्तों थोड़ा सा एक दिक्कत हो गया, क्या कच्चा बादाम मिल नहीं पाए, बट नेक्स्ट टाइम आएंगे मिलेंगे उनसे, मिलते एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।